16 वाले में क्या है बेटा? 15 वाला क्यों नहीं बना बेटा? 15 वाला, 15 वाले में क्या प्रॉब्लम जा गई श्रुति? 15 में तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या सिंपल सा ए इनवर्स निकालना है। एन, हाँ तो ए दिया तो आप ए इनवर्स निकाल लो, और फिर जब आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ तो कैसे करोगे? एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपको ए इनवर्स तो निकाल लिया ना आपने, पहले उससे निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल लिया कि नहीं? ए, हाँ ए इनवर्स जो भी आएगा उसका बी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका ए इनवर्स। समझ गए ना? ए इनवर्स जो भी आएगा उसका बी से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना? फिर भी नहीं आए तो हमको कल बता देना, मैं कल बता दूंगा, ठीक है? आज 16 वाला देखिए, 16 वाले में कुछ नहीं करना है, 16 वाला बस एक हमें कुछ बच्चों को नहीं करे तो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? 16 वाले में क्या लिखा है बेटा कि किसी व्यक्ति ने 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस खरीदा 60 रुपीज में, और किसी दूसरे ने खरीदा, फिर किसी तीसरे ने खरीदा, तीन लोगों ने खरीदा, लेकिन उसको ये नहीं पता है तीनों में कॉमन क्या रहेगा बेटा। जैसे मैं भी सब्जी वाले के यहाँ गया, तुम भी सब्जी वाले के यहाँ गया, और रविंद्र भी गए सब्जी वाले के यहाँ, तो तीनों ने ये राइस जो ये सब खरीदा, लेकिन हमने क्वांटिटी अलग खरीदी, आपने क्वांटिटी अलग खरीदी, और किसी ने क्वांटिटी अलग खरीदी, बस हम तीनों में कॉमन रहेगा तो कॉस्ट पर यूनिट का, कि उनका कॉस्ट हमारा कॉस्ट और उनका कॉस्ट सेम रहेगा, कि 1 किलो का जो रेट हमारे लिए लगेगा वो आपके लिए भी लगेगा, वो उनके लिए भी। तो तीनों में जो कॉमन है वो है कॉस्ट पर केजी ऑफ ओनियन। ओनियन का जो पर केजी का कॉस्ट है वो कितना है? एक्स, इधर लेट लिख देना, ठीक है? और व्हीट का बाई मान लेना, और राइस का एक्स मान लेना, वो राइस का जेड मान लेना, ठीक है? अब देखिए नाउ, अब आप इक्वेशन आराम से फॉर्म कर सकते हो। पहले वाले में क्या है? 4x+3y+2z=60। फिर सेकेंड वाले में क्या है? 2x+4y+6z=90। फिर थर्ड वाले में क्या है? 6x+2y+3z=70। अब बताइए, अब आपको हमें लगता है कि शायद ही कुछ प्रॉब्लम हो। यहां पर ए क्या है? यहां लिख देना बेटा, इधर बीच में एक लाइन लिख देना, वी कैन राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ कैसे फॉर्म में? AX=B के फॉर्म में, जहां पर वेयर ए का ए क्या है बेटा, जहां पर ए क्या है, वेयर ए क्या है बेटा? 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3। एक्स क्या है? XYZ। बी क्या है? 60, 90, 70। बताइए, अब तो हमें लगता है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी। कोई भी, अब हमें नहीं लगता कि कहीं पर भी, पहले आप क्या निकालोगे इसका डिटरमिनेंट? इसका डिटरमिनेंट 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा भाई। एक्स, राइस, व्हीट और ओनियन का प्राइस एक ही तो होगा, ऐसा तो नहीं है 10 होंगे, खूब सारे होंगे, और होगा भी नहीं, ना ही नो सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस
कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो ये वैल्यू आ रही है। ना ही इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं कि हम कुछ भी रखे हमेशा 60 दे दे, कुछ भी रखे हमेशा 90 दे दे, कुछ भी रखे हमेशा 70 दे दे, ऐसा भी नहीं है। ये हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो पहले इसका डिटरमिनेंट जीरो करोगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन करने के बाद आप क्या करोगे बेटा, ऐसा कर दोगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ए, ए इनवर्स कैसे निकलता बेटा, ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट, हाँ एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। इस तरीके से आपका ए इनवर्स निकल सकता है। बताइए आप तो हमें प्रॉब्लम बताओ, अगर आप कहें कि इसको करके दिखाओ मैं बिल्कुल पर करके दिखा दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बताइए विवेक है कोई समस्या, चलिए ठीक है तो फिर मिसलेनियस स्टार्ट करें अपन लोग। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो, बताओ मैं बता रहा हूं। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं का? ठीक, चलिए बताइए कौन सा थ्री, पेज नंबर बोल दो बस। बुक का 97 कौन सा डाउट है बताइए। फोर्थ वाला ना, ठीक है देखिए फोर्थ वाला क्या है आपका, टू थ्री फाइव सेवन, ठीक है ना, कोई दिक्कत, पेज 97 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको मैं रो से निकालूं कि कॉलम से, आप बताइए। हाँ ठीक, चलिए मैं बता रहा हूँ कॉलम से। हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ कोई बोल रहा है क्या कुछ, चलिए देखिए हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो कॉलम में कैसे जाते हैं, हम पहले इसको वन बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसको वन बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे, ऐसे ही जाना पड़ता है बेटा। इसको वन कैसे बना पाएंगे बताइए, इसको वन कैसे बनाएंगे। एक तो तरीका ये है कि टू से डिवाइड कर दो, एक तरीका ये है टू से डिवाइड कर दो, एक तरीका ये है कि इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को माइनस कर दो, तो माइनस वन बन जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले लो, ऐसा कुछ कर सकते हो। क्या बोला, डिवाइड वाला किया, चलो डिवाइड वाला कर दे रहे, तुम्हारे हिसाब से कर दे रहे, तुम ही बोलते जाना है ना। तो कॉलम वन को मैं क्या कर रहा हूं, वन बाई टू कॉलम वन, मैं कॉलम वन को डिवाइड करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा वन, इधर क्या आ जाएगा थ्री बाई टू, इधर क्या आ जाएगा, सॉरी कॉलम वन को डिवाइड कर रहे हैं ना, फाइव बाई टू, और इधर थ्री और इधर सेवन। अब हमारा है कि इस थ्री को जीरो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बताइए, जो आप बोले कॉलम टू में ऑपरेशन लगेगा बस, बताइए बोलो। अरे थ्री कॉलम बंद कर दो और क्या करेंगे, ओके बेटा हमें कॉलम टू को जीरो करना है, तो हम कॉलम तो इधर क्या बंद हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा और इधर 5 बाई टू ही रहेगा, और 7 में से 15 बाई टू जाएगा तो 14 माइनस 1 बाई टू बचेगा, है ना, बताइए यहां तक। हाँ बोलो बोलो, ई आई मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे बेटा, अच्छा वो हाँ इस साइड का लिख नहीं पाया मैं, अभी लिख दे रहा हूं, ठीक है, ए आई, ए आई, ठीक है। इधर पहले ऑपरेशन लगा दिया ना, तो क्या ऑपरेशन लगाया था, इधर
इधर लिख दे रहा हूँ, ए आई है, इधर ए आई, ठीक है, आई है, तो हमने किस में ऑपरेशन लगाया था, कॉलम वन में लगाया था, तो 1/2 जीरो जीरो वन, ठीक है। फिर इसमें क्या लगाया हमने, कॉलम टू में से, कॉलम टू को चेंज कर रहे हैं, जीरो में से थ्री कॉलम, मतलब माइनस का 3/2, और वन में से वन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या करना है हमें, -1/2 को क्या बनाना है, वन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, क्या मैं कॉलम टू को -2 कॉलम 1 लिख दूं, वो -2 कॉलम 2 लिख दूं, बोलो कोई दिक्कत है यहां पर, ठीक है। तो अब आपका क्या बन जाएगा, इधर 1, इधर 5/2, और इधर 0, और इससे डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1, इधर क्या हो जाएगा, ए 1/2 0, इधर आपने किससे -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, -2 आ जाएगा इधर। अब बताइए, अब इसको हमें 0 बनाना है तो क्या करेंगे, 0 बनाना है कॉलम वन में, तो कॉलम वन में से 5/2 कॉलम 2 माइनस कर देंगे, बोलो बताइए कोई प्रॉब्लम यहां पर, ठीक है। तो फिर हम कैसे करेंगे बेटा, अब वन में से 0 तो 1 का तो 1 ही रहेगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0, इधर 1, ये हो गया, इधर ए लिखा रहेगा, इधर कॉलम वन में से 5/2, 1/2 -5 15, 15/2, तो -14/2 है ना, -14, हाँ क्या बोल रहे बेटा, यानी ठीक है। अब क्या करना है, 0 में से 5 2 10, मतलब -5/2 इंटू -2, पहले से है, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, हाँ 5 आ जाएगा, तो ठीक है, ये नहीं आ रहा है क्या आंसर, बस यही करना है कुछ नहीं, तो कॉलम ऑपरेशन, हाँ, बोलो बोलो। अब हम एक डायरेक्ट मेथड आपको एडजॉइंट निकालने की बता रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में यूज नहीं की जाती है। देखो कैसे निकालोगे डायरेक्ट मेथड, सपोज ये एलिमेंट है बेटा, कुछ भी एलिमेंट है, 2 3 4, पहले आप लोग निकालो फिर हम बता रहे हैं डायरेक्ट, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारी डायरेक्ट मेथड सही। आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्या किया, पहले मिडिल टर्म लिया, मिडिल से फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर इधर, फिर आपने सेकंड, फिर थर्ड का लिया, नीचे फिर ऊपर फिर इधर, उसी पे वापस जाना, फिर इसका लिया, फिर नीचे फिर ऊपर फिर वहीं पर, फिर से आप रिपीट, जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं पर एंड होना है, 9 से स्टार्ट किए थे, 9 वाली से एंड होना है। अब आपको इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या आ रहा है, 81 में से 32 जाएगा कितना आएगा, 49, इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या आ रहा है, 24 में से 63 जाएगा कितना आएगा, कितना आएगा, -30, तुम्हारा गलत आया है, ये गलत आया बेटा, ठीक है। नहीं, ट्रांसपोज करके नहीं बोल रहा, वरना -39 इधर नहीं आता हमारा, ट्रांसपोज करके नहीं, 8 7 जाए कितना होता, 56, 56 में से 54 गया तो कितना आ जाएगा, 2, तुमने ट्रांसपोज करके बोला है, अभी देखते हैं, हम देखते हैं, अच्छा देखो,
अब इसका क्या आएगा, 32 में से 27 जाएगा तो क्या आएगा 5। फिर इसका क्या आएगा, 9 9 2 18, 18 में से कितना जाएगा 24, तो माइनस का 6। फिर इसका कितना आएगा, 3 6 18 और 2 2 8 16, तो 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही नीचे वाले का निकालो, 3 4 इसका ये दिख रहा है ना, ये 3 4 12, 9 4 36, मतलब माइनस का 24। इधर का 7 4 28, 4 2 8, माइनस का 20, 20 प्लस का 20। फिर 2 9 18, 7 3 21, माइनस का 3। क्या यही आ रहा है, -3 20, -24। बाकी तो ये सब सही आ रहा है, लेकिन ये क्यों आ रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ये तुम्हारा जैसे कौन सा वाला ए है ना, इसको क्या बोलते हैं, A12 बोलते हैं ना, A12 निकालना पड़ेगा। A12 क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, M12 -1 की पावर -1 हो जाएगा, और 1 2 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 9, तो इधर हो जाएगा 18 -24, ये वाला कह रहे थे ना, ये वाला क्या है हमारा, A12 है ना, A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड, 2 4 क्या बेटा, एक मिनट मैं, हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। ओके गॉट इट। अच्छा श्रुति एक बात बताओ बेटा, अगर प्रगति ने ट्रांसपोज नहीं किया लेकिन आपने किया, अच्छी बात है। अब देखिए एग्जाम में क्या है कि वो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा ना, वो लोग थोड़ी ना अपने मन से दिमाग लगाएंगे कि हाँ ट्रांसपोज तो बच्ची ने भूल गई होगी, नंबर दे दो। अच्छा देखिए बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इधर क्या है, एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स वन कॉस थीटा वन एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट। बेटा हमें कैसा चाहिए, थीटा से इंडिपेंडेंट चाहिए, मतलब थीटा नहीं चाहिए हमको, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो थीटा नहीं आना चाहिए। जल्दी से निकालो बेटा, इसका डिटरमिनेंट निकालो फास्ट, 2 मिनट आपको देते हैं, फिर 2 मिनट बाद। तिवारी जी आया, देख रहे, चेक कर रहे हैं बेटा हम, है ना। चैप्टर करवा दिए हैं,
बताइए कहीं पर प्रॉब्लम जा रही हो तो बताओ भी। हाँ इधर लिख दो बेटा, हेंस इट इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा के क्या है? इंडिपेंडेंट। बताइए कोई इश्यू, एनी प्रॉब्लम? यहां पर थीटा नहीं है ना, जो आंसर आया क्या उसमें थीटा है क्या? इसलिए मतलब अब थीटा है ही नहीं है, तो यहां पर थीटा की कोई वैल्यू हो या ना हो हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद कोई थीटा आना ही नहीं है। गॉट इट? ठीक है, आगे देखिए। कोई डाउट तो नहीं है रविंद्र? बताइए कोई डाउट है? संध्या आपको? अब देखिए क्या करना है, वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमको एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट, इसको एक्सपेंड करना है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए सी ए बी इक्वल टू वन 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। बताइए क्या करें? हाँ एक्सपेंड नहीं करना बेटा, आप ए एल एच एस लो और ए बी सी का मल्टीप्लाई करो और ए बी सी का डिवाइड करो। तो ए का पूरे ऊपर में मल्टीप्लाई करना, बी का नीचे में और सी का थर्ड में, ठीक है ना? अलग अलग रो में, फर्स्ट रो में ए का मल्टीप्लाई। देखो हम क्या लेंगे, टेकिंग एल एच एस, हम एल एच एस वाला पार्ट लेंगे और एल एच एस से आर एच एस लाएंगे, ठीक है बेटा? हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे में ए का मल्टीप्लाई, इसमें बी का मल्टीप्लाई, इसमें सी का मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना बेटा, माइंड पे गौर करो बस। मैं ऊपर में ए का, इधर बी का और इधर सी का। अगर मैं ऊपर ए नीचे बी इधर सी का कर रहा हूं, जैसे मतलब ऊपर ए का किया, नीचे बी, सेकेंड वाले में बी का और थर्ड वाले में सी का कर रहा हूं, तो हमें ए बी सी से डिवाइड भी तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं? रुको अभी तुमको नहीं आया, देखो हम और अच्छे तरीके से बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं, और तरीका हम डिफरेंट तरीका से बता रहे हैं जिससे और अच्छे से समझ। मैं अब ध्यान से देखो, मैं और ऐसा डिटेल में बता रहा हूं, इसमें ऐसा कर दो ए इंटू ए, बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं ना, मैथ का रूल है ना, जो भी करो वो ऐसा करो कि उसमें फर्क ना आए। इसको काटोगे तो इसको फर्क आएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ मतलब ठीक है, इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ। अब देखिए मैं
नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर साइड में कर दे रहा हूं, है ना। देखो इन सब में इधर भी है नीचे है, इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे भी है, इधर भी नीचे भी है, इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे। तो बेटा एक रो का एक ही आता है, एक रो का ए आ गया, इधर का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, नीचे वाले के इधर का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोल दो कोई दिक्कत। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ए क्यू, बी क्यू, सी क्यू, इधर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। बट हमें बताओ ये कॉलम में तीनों चीज सेम है, वो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। हाँ, तो ए बी सी ले लिया अपॉन ए बी सी ले लिया। अब ये चीज हम पहले कर रहे थे, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यू, बी क्यू, सी क्यू। थोड़ा लैंग्वेज वगैरह लिखते जाना कि अपने मन से, के टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम नंबर थर्ड, ठीक है ना। यहाँ लिखना टेकिंग वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी फ्रॉम कॉलम, फ्रॉम रो वन, रो टू एंड रो थ्री रिस्पेक्टिवली। ऐसा अपने मन से थोड़ा मतलब लगे, थोड़ा अच्छा सा लगे। और इतना भी लैंग्वेज नहीं कि आपका पेपर छूट जाए, है ना। पेपर कंप्लीट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर को सजाने से ज्यादा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, हो गया प्रूफ बेटा, यही तो प्रूफ करना है। देखो हेंस प्रूफ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया बेटा, हिमाचल प्रदेश। क्या ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। डिटरमिनेंट में साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता है। यहां पर वन के बाद क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है, और सी स्क्वायर के बाद क्या आ रहा है, सी क्यूब आ रहा है। यहां पर भी देखो सी स्क्वायर के बाद ही सी क्यूब आ रहा है, और सी क्यूब के बाद ही क्या आ रहा है, बन आ रहा है। सी क्यूब के बाद ही क्या आ रहा है, बन आ रहा है। ये साइक्लिक ऑर्डर होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसके बाद तुमको, इसके बाद जो लिखोगे वो ए लिख दोगे, और बगल में क्या लिख दो, मैं लिखवा ही दे रहा हूं, कहां लिखवा दूं, इधर लिखवा दूं, बोलो इधर लिखवा दूं। अब तुमको कुछ नहीं लिखना है, वही लिख देना है। क्या लिख देना है, वन वन वन, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यू, बी क्यू, सी क्यू, और इधर बंद कर देना है। बस ये देखना है कि वन के बाद ए आना चाहिए और ए के बाद ए, जैसे इधर वन के बाद सी है और सी के बाद ही सी क्यूब है, सी सी स्क्वायर, सी के बाद सी क्यूब। तो डिटरमिनेंट ऑफ साइक्लिक डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ साइक्लिक ऑर्डर रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज्ड क्या होता है, अनचेंज्ड। लेकिन हाँ, अगर एक ही कॉलम में डिफरेंस होता, मतलब ध्यान से देखो, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होता, जैसे ये साइक्लिक में है, ए भी साइक्लिक में, इधर बन के बाद ए स्क्वायर आ रहा है, इधर भी बन के बाद ए स्क्वायर आ रहा है, तो ये साइक्लिक में है। अगर साइक्लिक में नहीं होता तो पहले हम उसको क्या करते, माइनस कॉमन लेकर साइक्लिक बनाते। देखो अभी भी तुमको समझ में नहीं आया तो हम फिर से बता रहे। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला? हाँ बेटा बोलो। एक्सपेंडिंग करेंगे तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें बेटा डिटरमिनेंट के इक्वल में डिटरमिनेंट ही तो चाहिए, एक्सपेंड करेंगे तो वो डिटरमिनेंट कहां बचेगा। हाँ, तो अगर उसमें एक्सपेंडिंग नहीं लिखा है तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। विथाउट एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंड नहीं करना है, समझ रहे हैं, एक्सपेंड नहीं करना है मतलब ऑपरेशन लगाना है, ऐसे खोलना नहीं है उसको, ओपन नहीं करना है, ठीक है।
इधर क्या लिखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा। बताइए बेटा कैसे करेंगे इसको, टेल मी द वे वी डू दिस क्वेश्चन। निकाल दो फिर, क्या है रुकी क्यों, निकालो। तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ दो। तो फिर एक नंबर से मात खा गए तुम। हाँ क्यों श्रुति भाई, अभी तो चलो कोई नहीं, हम बताते हैं मिस्टेक कहीं ना कहीं तो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। कुछ तो मिस्टेक होगी। नहीं दिख रही है, चलो हम देख रहे हैं। चलो इसको खोल ही दे रहे हैं, खोल दें क्या, खोल दे रहे हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा, तिवारी जी देखना बेटा, अनु देखना बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस जीरो, फिर क्या लोगे, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, बीच में माइनस आता है ना बेटा, बीच वाले डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर माइनस आता है ना, अब बीच में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्वेश्चन सही होता रहा बस ये देख लेना मैंने। फिर क्या है, माइनस का साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, कहां पर, हाँ बीटा है वही, मैं बोल रहा हूँ कुछ मिस्टेक सा लग रहा है मुझे, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो गई, इस वाले में तो नहीं होगी, इस वाले में हो गई होगी, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा यही है ना, ठीक है करेक्ट ओके। अब इधर क्या है, हाँ अब क्या है, साइन बीटा नहीं, इधर क्या है, साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा है ना, फिर क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। बोलो कोई यहां तक दिक्कत आपको, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर, नहीं। अब यहां क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा। बेटा इन दोनों में देख रहे हो तुम, साइन अल्फा माइनस का कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन अल्फा ले ले बाहर कॉमन, माइनस का साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर बेटा, रविन जी कोई समस्या, अनु कोई समस्या, बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा,
माइनस साइन अल्फा। बेटा ये वन होता है ना, ये वन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा बच जाएगा अकेले, कोई दिक्कत? ए भी तो वन होता है कि नहीं होता है? तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या आ गया, वन आ गया। बोलो कहीं दिक्कत, कहीं पर भी थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, जहां भी प्रॉब्लम हो कि सर यहां नहीं आया तिवारी।